सोच रही हो देवकी? यही कि इस गर्भ में पल रहे बच्चे की भी अवश्य हत्या होगी। मैं भी कैसी मां हूं, एक के बाद एक छह पुत्रों की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई और मैं अभी तक जीवित हूं। आठवें पुत्र की प्रतीक्षा में नहीं जाता, इसलिए आज मैं तुम्हारा गर्भ लेने आई हूं। मेरा गर्भ लेने आई हो? हाँ, अपना ये गर्भ मुझे सौंप कर तुम इसकी ओर से निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे इस पुत्र तक मैं कंस के हाथ कभी नहीं पहुंचने दूंगी। ले जाइए दीदी, मेरे पुत्र पर तुम्हारा अधिकार मुझसे कम नहीं। कान्हा, हम लोग खेलते हैं। हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। अच्छा बाबा, तुम जीते हम हारे, अब तो चलो। अब मान भी जाओ कान्हा, इन सब का जी भी रख लो। चलो चलो ना कान्हा, चलो 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 चलो। देखने का ना, आपकी बार तू ही पिटेगा। अरे मैं ही पिट गया। देखेगा ना, तू रोटमा नहीं करता है। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है तू। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। देखो दाऊजी, ये रोटमा नहीं करता है। मैंने रोटमनी नहीं की। देखो दाऊजी, एक तो ये रोटमनी करता है, उस पर झूठ बोलता है। मैंने झूठ नहीं बोला। मैं नहीं खेलता तेरे साथ। देखिए दाऊजी, जीवित मक्खी निकलवा रहा है। बड़े बाप का बेटा है ना, तो समझता है कुछ भी करवा सकता है। हाँ? चल झूठे, दाऊजी से कहो ना कि मैं खेल में कभी गड़बड़ी नहीं करता। कैसे कह दूं कि गड़बड़ी नहीं करते हो तुम? गड़बड़ तो तुम करते ही हो। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये गड़बड़ी आई कहाँ से। मैं सीधा तुम्हारे सब सखा सीधे बाबा नंद, सीधे यशोदा मैया सीधी। अरे हाँ, अब समझा, गोरे नंद गोरी यशोदा मैया, तो तुम क्यों हो गए शम? अब समझा, तुम तो उनके पुत्र हो ही नहीं, तुम्हें तो कहीं से मोल लिया गया है। दाऊ, अभी इन्हीं में मिल गए। चलो मैया के पास पूछवाए देता हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ कि नहीं। मुझे तो संदेह है कान्हा। जाओ, हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ। दाऊजी, दाऊजी, दो राक्षस नंदगांव को जलाकर
भस्म कर रहे हैं। क्या? हाँ। चलो दाऊ। चलिए। चलो। वो देखो आग लगी सब जगह। कितने घर जला दिए। सब कुछ भस्म किए जा रहे हैं। दाऊ जी संभल के। आयुष्मान भाव। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ कान्हा, मैं महाराज को ये बताने जा रहा हूँ कि तुम आ गए। अवश्य बताइए, परंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं दाऊ के संग जाकर मथुरा नगरी देखाऊं। अवश्य देखाओ, परंतु ये ध्यान रहे कुमार कि ये नंदगांव नहीं है। पता नहीं लोग तुम्हारी चपलता की भाषा समझ पाएंगे या नहीं, इसलिए अपने दाऊ का हाथ न छोड़ना। मैंने आज तक दाऊ का हाथ छोड़ा ही नहीं। अरे श्याम सखा, ये मथुरा के लोग कान्हा के दर्शन के लिए कितने उत्सुक लग रहे हैं। ये पुष्प कुंज कितना मनोहारी है। दाऊ जी ये पुष्प तुम ये। अरे ओ बबुआ, अरे जरा हमको भी दर्शन करा दो भैया। अरे भीड़ बहुत है काका। अरे हमारी घरवाली कहती थी ये दो छोरे ऐसे लगते हैं जैसे राम लखन की जोड़ी। अरे भैया, जो आंखें उनके दर्शन कर रही हैं उनके पास जीभ नहीं,
और जो जी बोल रही है उसके पास आंखें नहीं है। अरे काना, हाथ छोड़ो। मैं हाथ कैसे छोड़ दूं? अरे दाऊ, वो देखो, वो कुबड़ी लड़की दिखाई देती है ना, जो थाली में चंदन का लेप लिए खड़ी है। सुनिए, चंदन का थोड़ा सा लेप मुझे दोगी सुंदरी? चंदन का ये लेप तो मैं महाराज के लिए बनाती हूँ श्याम, परंतु तुम इसे अवश्य लो, मैं ही लगा देती हूँ। धन्यवाद। परंतु तुम चुप कर क्यों चलती हो? प्रयत्न तो करो, सहायता के लिए हम जो खड़े हैं, प्रयत्न करो। हाँ प्रयत्न करो। धोबी जी, आंखें इतनी ना निकालो कि नीचे ही गिर जाए। जाता है कि दूं एक? अक्रूर जी ने इसलिए तो कहा था कि आपका हाथ पकड़े रहूं। आदरणीय धोबी जी, ये सब सुंदर वस्त्र किसके हैं? राजभवन के सिवा किसके हो सकते हैं? एक एक जोड़ा हम दोनों भाइयों को देने की कृपा करेंगे आप? जमुना जी के जल में अपना मुंह दे छोरा, महाराज के वस्त्र पहनेगा? अरे छोरा इधर आ, मैं बताता हूं तुम्हें। राजभवन के वस्त्र पहनने का सपना देख रहे हो? हाँ। दे दू वस्त्र? कान्हा ले लो वस्त्र। तो ये लो वस्त्र। Thank you.
ये तो बालक है। ये तो अन्याय है। बालक भी चमत्कारी हैं। कृष्ण और बलराम ठीक समय पर ना गए होते,
तो मथुरा की पराजय आज निश्चित। तो मथुरा पर इन दोनों का एक और ऋण चाह गया। क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु मातृभूमि कभी ऋणी नहीं होती। और यदि कोई ये सोचे कि उसने या उसके परिवार ने मातृभूमि पर कोई उपकार किया है तो ये उसकी भूल है। मैंने जो किया वही मेरा कर्तव्य था, और आज के पश्चात भी मैं जो करूंगा वो केवल अपने कर्तव्य पालन ही के लिए करूंगा। विजय के इस क्षण में मैं ये कहना चाहता हूं कि मगध नरेश जरासंध फिर आक्रमण करेंगे। तो इसमें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? यदुवंशियों को यूं मगध नरेश से घबराना शोभा नहीं देता। मैं बलराम से सहमत हूं महाराज। फिर भी हमें कृष्ण की बात तो सुननी ही चाहिए। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये देवकी का आठवां पुत्र है, जो मथुरा को ही नहीं बल्कि पूरी ब्रजभूमि को कंस से मुक्त दिलाने के लिए आया है। परंतु मथुरा तो कंस से मुक्त हो गई है महाराज। तो ये जरासंध क्या है और ये बार बार मथुरा पर आक्रमण क्यों कर रहा है? अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है महाराज। मैं पिताश्री से सहमत हूं महाराज। यदि वो युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है पिताश्री, तो जरासंध को आने दीजिए, इस बार वो युद्ध समाप्त ही कर देते हैं। वीर पुरुष को युद्ध के लिए इतना उतावला नहीं होना चाहिए दाऊ। बलबीर की तो पहचान ही वो है कि वो आवश्यक और अनावश्यक युद्ध का अंतर समझ सकता है। अनावश्यक युद्ध तो केवल अभिमानी करते हैं। तो क्या हम मगन नरेश जरासंध के पास ये प्रार्थना लेकर जाएं पुत्र, कि युद्ध में हमारे हाथों पर आ जाए तो अवश्य हुई, परंतु हम पर दया करो, हम लड़ना नहीं चाहते। यदि ये कहने से युद्ध टल जाए तो ये कहने में भी क्षति नहीं है पिताश्री। ये तुम क्या कह रहे हो वासुदेव कृष्ण, क्या हम यदुवंशी उस जरासंध के आगे घुटने टेक दें? नहीं, घुटने तो केवल कायर टेकते हैं, तो ये मैं कैसे कह सकता हूं? अपनी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ना तो हमारा कर्तव्य है। तो तुम कह क्या रहे हो, कभी तो दो बोल सीधे बोल लिया करो। मेरा प्रस्ताव यह है कि हम यदुवंशियों को मथुरा छोड़ देनी चाहिए। हम मथुरा नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, मथुरा नहीं छोड़ेंगे। क्रोध की कटार क्रोधी की बुद्धि को काट सकती है, तो कोई ऐसे शस्त्र का उपयोग ही क्यों करे? बातें न बनाओ कृष्ण, तुम यही कह रहे हो ना कि जरासंध से डरकर हम घर भी छोड़ दें और रण भी। परंतु इतिहास तो इसे कायरता कहेगा। ये कहकर नंदगांव के माखन का अपमान तो मत करो कृष्ण। ये कहकर मैं नंदगांव के माखन का अपमान नहीं कर रहा हूं दाऊ, उसकी रक्षा कर रहा हूं। मगध नरेश की लड़ाई तो मुझसे है ना, कि मैंने मामा कंस का वध किया, उनकी दो पुत्रियां तो मेरे कारण विधवा हुई हैं, तो मगध नरेश के क्रोध की अग्नि में मथुरा क्यों जले? हाँ, तो तुम अकेले ही उनके लिए बहुत हो। प्रश्न ये नहीं है दाऊ, परंतु युद्ध केवल तभी होना चाहिए जब दूसरे सारे मार्ग बंद हो चुके हों। परंतु जरासंध ने कौन सा मार्ग खुला छोड़ा है पुत्र? एक मार्ग है पिताश्री, मथुरा को युद्ध की अग्नि से बचाने का एक मार्ग अब भी खुला है। कौन सा मार्ग खुला है वत्स? मथुरा से कहीं और चले जाने का मार्ग महाराज। मथुरा में हमारे रहने का युग समाप्त हो गया है। नए युग के स्वागत के लिए हमें एक द्वारिका बनानी चाहिए, चारों ओर से सुरक्षित द्वारिका। ये क्यों नहीं कहते कि रण छोड़ने का प्रस्ताव रख रहे हो? यदि तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें रणछोड़श्री कहने लगेंगे पुत्र। जिस मथुरा, जिस व्रज भूमि को स्वयं मैंने कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है, उसे मगध नरेश जरासंध के बदले की भावना से बचाने के लिए मुझे यह भी स्वीकार है कि लोग मुझे रणछोड़ कहें। नामों में क्या धरा है? नाम तो पुकारने का एक साधन है, और बस लोग मुझे चाहे जिस नाम से पुकारें, परंतु जब मुझे ऐसा लगेगा कि पुकारने वाला मुझे पुकार रहा है, तब मैं अवश्य बोलूंगा और रहूंगा मैं वही जो मैं हूं। मैं तो फिर भी कहूंगा कि सुदर्शन चक्र निकालो। और हर गर्दन सुदर्शन चक्र के योग्य नहीं है दाऊ। यदि वंशियों को अपने अभिमान से प्यार है तो हम यही रहेंगे, और यदि उन्हें अपनी व्रज भूमि से प्यार है तो हमें स्वदेश त्याग करना ही पड़ेगा। कहना मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया, अब निर्णय लेना महाराज का कर्तव्य है।
मैं वासुदेव कृष्ण से सहमत हूं। मुझे पता था कि सब कृष्ण से ही सहमत हो जाएंगे, परंतु इस द्वारिका का निर्माण कौन करेगा? इस द्वारिका का निर्माण करेंगे विश्वकर्मा जी। मैं महाराज उग्रसेन की ओर से आपका स्वागत करता हूं विश्वकर्मा जी। आपने यहां आने का जो कष्ट उठाया उसके लिए मथुरा नगरी सदैव आपकी आभारी रहेगी। आप तो मुझे ये बताइए वासुदेव कि आपने मुझे बुलाया क्यों है? देव शिल्पी को कोई क्यों आमंत्रित करता है? महाराज चाहते हैं कि यदुवंशियों के लिए आप सागर से घिरी हुई एक नगरी का निर्माण करें। यदि उस नवीन नगरी का नाम द्वारिका होने वाला है तो उसका योजना चित्र मेरे पास है, ये देखिए। महाराज योजना चित्र तो अनुपम है, क्यों दाऊ? निर्णय लेने के पश्चात दाऊ से मत पूछा करो। आपकी ये नगरी तो हमें भाग गई विश्वकर्मा जी, आप अपना कार्य आरंभ करें। कृष्णा, कृष्णा, क्या हमसे कोई भूल हुई है दाऊ? नहीं, तुमसे तो कोई भूल नहीं हुई है। तो क्या दाऊ, मैंने कोई? अरे नहीं, तुम तो शौरसेनी परिवार की शोभा हो, कुलवधू हो। तो फिर इस क्रोध का कारण दाऊ? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पांडु पुत्रों से हमारा कोई नाता है या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं दाऊ? ना, तुम मुझे ये समझाओ कि वो हमारे क्या लगते हैं। वे हमारी कुंती बुआ के पुत्र हैं दाऊ। अच्छा, वे हमारी बुआ के पुत्र हैं, तो इसीलिए सारे भारतवर्ष से मिल मिलाकर वे हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पर उन्हें ध्यान नहीं आया कि द्वारिका भी उनकी ननिहाल है, कि हम लोग भी यहाँ रहते हैं, कि उन्हें यहाँ भी आना चाहिए था। परंतु भीमसेन आए तो थे दाऊ। वो मिलने नहीं आए, वो गदा युद्ध सीखने आए थे। फिर भी चलो मान लिया कि भीम आए थे, परंतु अर्जुन क्यों नहीं आए, नकुल और सहदेव क्यों नहीं आए? क्या उन्हें हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी? परंतु दाऊ, वे तो विजय यात्रा पर निकले हैं, तो उनकी यात्रा के मार्ग में तो द्वारिका पड़ ही नहीं सकती। और जो वे आते ना रुक्मिणी, तो दाऊ गदा लेकर दौड़ पड़ते कि पांडवों का ये साहस कि वो द्वारिका पर चढ़ाएं। दाऊ, उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वे विजयी होकर लौटे। आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। परंतु दाऊ, क्रोध और आशीर्वाद का कोई मेल नहीं। पहले तनिक मुस्कुराइए और आप आशीर्वाद दीजिए कि वे विजयी होकर लौटे। विजयी होकर तो उन्हें लौटना ही है। दुर्योधन, युद्ध में क्रोधित नहीं होना चाहिए, उससे आत्मसंतुलन खो जाता है। हाँ।
क्यों दाऊ, कैसी रही? प्रिय शिष्य दुर्योधन, तुम आज संसार के सर्वश्रेष्ठ गदाधर हो। धन्यवाद गुरुदेव। हम आज अति प्रसन्न हैं। जो पुरस्कार मांगना हो मांग लो। तो मैं मांगू दाऊ? हाँ अनुज, मांग लो। तो मैं सुभद्रा का हाथ मांगता हूं दाऊ। यदि मेरा हाथ मांगा होता तो मैं तुरंत दे देता, परंतु सुभद्रा का हाथ तो सुभद्रा के पास है ना, और इस विषय में मुझे पिताश्री से बात करनी पड़ेगी। परंतु पिताश्री मेरी बात टाल थोड़ी सकते हैं, इसलिए समझ लो कि सुभद्रा तुम्हारी हो गई। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। बैठो पुत्र। हस्तिनापुर से कब आना हुआ? बस चला ही आ रहा हूं पिताश्री। एक तो आप दोनों के चरण स्पर्श करने के लिए मन व्याकुल था, और एक विशेष बात भी करनी थी। बात क्या इतनी विशेष थी पुत्र, कि स्नान के बाद तनिक विश्राम तक भी नहीं रुक सकती थी? यदि रुक सकती पिताश्री तो स्नान और विश्राम के उपरांत ही आता। अच्छा अच्छा, तो कहो क्या बात है। नहीं पहले ये बताओ, तुम्हारी बुआ कैसी हैं? बुआ तो इंद्रप्रस्थ में है माताश्री, युधिष्ठिर के नाम का डंका बज रहा है। परंतु ये सब बातें तो तुम अर्जुन से पूछ चुकी हो प्रिय। अर्जुन, क्या वो यहाँ है? हाँ, कृष्ण के भवन में ठहरा हुआ है। कृष्ण ने उसका प्रस्ताव तो नहीं रखा? प्रस्ताव? तब तो ठीक है। क्या ठीक है? वो है क्या माताश्री, कि मैं वहां हस्तिनापुर में लगातार सुभद्रा के ही विषय में सोच रहा था, और डर रहा था कि मेरे आने से पहले आप लोग उसके विवाह की बात कहीं पक्की ना कर दें। तो क्या कोई विशेष वर है तुम्हारे ध्यान में? विशेष जैसा ही विशेष। वो तो ऐसा है माताश्री कि आज सारा भारतवर्ष उसी की ओर देख रहा है। अच्छा, ऐसा कौन है? ऐसा तो एक ही है पिताश्री। परंतु वो है कौन? हस्तिनापुर का युवराज महारथी दुर्योधन, मेरा शिष्य भी है। परंतु? और स्वयं उसी ने मुझसे विनती की है माताश्री। परंतु कुंती दीदी को ये अच्छा लगेगा? बुरा क्यों लगने लगा, राज्य के विभाजन के पश्चात तो अब कोई झगड़ा रह ही नहीं गया है माताश्री। परंतु विभाजन तो किसी समस्या का समाधान नहीं है पुत्र, क्योंकि विभाजन ने तो दोनों की ही सीमाओं को छोटा कर दिया है, और सीमाएं घटने से कोई संतुष्ट नहीं होता। परंतु मैंने तो दुर्योधन को लगभग वचन दे दिया है पिताश्री। अब तुमने वचन दे दिया है तो प्रणाम दाऊ। आयुष्मान भव, लगता है दुर्योधन ने बहुत ही जी लगा के सेवा की है। एक शुभ समाचार सुनो पुत्र, बलराम ने तुम्हारी चहेती सुभद्रा के लिए बहुत ही अच्छा वर खोज लिया है। हाँ कृष्ण, बधाई हो। मैं जानता था माताश्री कि दाऊ इतने दिनों के पश्चात आए हैं, तो सभी के लिए कोई ना कोई उपहार तो अवश्य ले आएंगे। मेरे लिए आप क्या ले आए दाऊ? देख लिया पिताश्री, बात चल रही थी सुभद्रा के लगन की, और ये अपने को बीच में घसीट लाया। इतना लोभ नहीं करना चाहिए कृष्ण। अपने दाऊ से कुछ मांगने में लोभ का क्या प्रश्न है? इसे लोभ नहीं कहते दाऊ, स्नेह कहते हैं। देखो कृष्ण, बातों में ना फंसाओ। तुम्हारे आने से पहले हम लोग एक गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। ये तो मैं तभी जान गया था जब किसी ने मुझे बताया कि रथ से उतरते ही आप सीधे पिताश्री के कक्ष की ओर चले आए, तभी तो मैं लपका चला आया हूँ। मैं तो माताश्री और पिताश्री को बता रहा था कि मैंने दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह लगभग पक्का कर दिया है। अपने घर के इस चंद्रमा को जाना तो चंद्रवंशियों में ही चाहिए दाऊ। लीजिए पिताश्री, अब तो कृष्ण भी मान गया, अब आपके यहाँ कहने में क्या आपत्ति है? परंतु ये निर्णय उठते सूर्य के साथ लेने चाहिए दाऊ, कि सुभद्रा के जीवन में सदैव धूप छिटकी रहे। ये भी ठीक है, कल निर्णय लेंगे पुत्र। देखो कृष्ण, तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं भला क्या गड़बड़ करूंगा दाऊ, वो भी सुभद्रा के जीवन में, ये आपने सोचा ही कैसे?
और आप भी उसका बुरा थोड़ी चाहेंगे। अर्जुन को पकड़ के लेके आएंगे, मार डालेंगे। द्वारिका के उद्धाव कुंती पुत्र अर्जुन ने अतिथि मर्यादा का उल्लंघन करते हुए हमारी बहन सुभद्रा का हरण किया है। यदि उसका पीछा करते हुए हमें इंद्रप्रस्थ जाना पड़े तो हम इंद्रप्रस्थ जाएंगे। अवश्य जाएंगे। लगता है अनुज कृष्ण हम लोगों से सहमत नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। तुम्हारे कुछ ना कहने से ही तो मैं घबराता हूं। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुमने रुक्मिणी का हरण किया था तो उसके भाई रुक्मिणी ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया था। मैंने रुक्मिणी का हरण नहीं किया था दाऊ। आप तो जानते हैं कि मैं उसके बुलावे पर वहां गया था। वे लोग उसकी इच्छा विरुद्ध शिशुपाल से उसका विवाह कर रहे थे। मैंने उसकी सहायता की थी दाऊ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जो आप लोग सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दाऊ कि सुभद्रा की इच्छा विरुद्ध जो आप उसका विवाह दुर्योधन से करने की योजना बना रहे थे उसका उसे पता चल गया हो और उसने अर्जुन से सहायता मांगी हो? और सुभद्रा को ही किसने बताया कि मैं दुर्योधन से उसके विवाह पर विचार कर रहा हूं? और तुम्हें किसने बताया कि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती? मुझे स्वयं सुभद्रा ने बताया दाऊ कि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती। और उसे ये किसने बताया? मैंने। जब ये सुखद समाचार मैंने सुना तो मैंने सोचा कि सुभद्रा को तो बता ही देना चाहिए, इसलिए मैंने जगाकर उसे बताया। अच्छा, जगाकर बताया? जी दाऊ। तो उसने तुमसे क्यों सहायता नहीं मांगी? मैंने तो साफ कह दिया कि दाऊ दुर्योधन को वचन दे चुके हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने अर्जुन से कब सहायता मांगी? उसका संदेशा लेकर अर्जुन के पास कौन गया? और अर्जुन को ये किसने बताया कि वो पूजा के लिए जा रही है? इन सब प्रश्नों के उत्तर तो स्वयं सुभद्रा ही दे सकती है दाऊ। परंतु ये तो स्वयं उसके अंगरक्षकों ने मुझे बताया है कि जब अर्जुन ने उसे अपने रथ पर उठा लिया था तो उसने अपने अंगरक्षकों को सहायता के लिए नहीं पुकारा था। और एक ने तो यहां तक कहा था दाऊ कि वही स्वयं अर्जुन की सारथी भी थी। तो क्या इसका अर्थ ये नहीं हुआ दाऊ कि यदि हरण हुआ है तो अर्जुन ने सुभद्रा हरण नहीं किया बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन हरण किया है? अर्जुन ने जिस थाली में खाया है उसी में उसने छेद किया है। उसने हमारे आतिथ्य का अपमान किया है कृष्ण। मैं ये सह नहीं कर सकता। उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। हम इस अपमान को पचा नहीं सकते। मैं आप लोगों के साथ हूं। परंतु पहले दाऊ मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि रुक्मिणी हरण में इन्होंने और इनके साथ साथ आप सभी लोगों ने मेरा साथ क्यों दिया था? स्वयं दाऊ जिन पांडवों की सेवा भावना का बखान करते नहीं थकते, क्या उनमें से कोई भला अपनी बुआ के घर का अपमान कर सकता है? सच पूछिए तो अर्जुन ने हमारा मान बढ़ाया है। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण भी मत्स्य का भेद कर सकता था, तो ऐसे स्वयंवरों का अर्थ क्या है? पुत्री कोई पशु नहीं है जो पुरस्कार बनाकर किसी को दे दिया जाए। वो कोई वस्तु नहीं है जो हारी या जीती जा सके। अर्जुन ने हमारी विवाह प्रथा का यह दोष देखा और सुभद्रा हरण द्वारा हमारे मान की रक्षा की। हमें तो उसका आभारी होना चाहिए। और इस नाते में खोट क्या है? पार्थ पांडु पुत्र है, द्रोण शिष्य है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। योद्धाओं की इस भीड़ में क्या कोई ऐसा है जो अर्जुन की मित्रता ना चाहता हो? वो भारत है, शांतनु का पोता है, कुंती भोज का नाती है। त्रिलोक में सुभद्रा के लिए मुझे तो इससे अच्छा कोई और वर दिखाई नहीं देता। महादेव के अतिरिक्त कौन है जो उसे रणभूमि में हराने की सोच भी सके? मैं तो कहता हूं कि आप लोग जाइए और उसे मान सम्मान के साथ द्वारिका ले आइए। यदि वो आप लोगों को हरा कर इंद्रप्रस्थ पहुंच गया तो सारे संसार के लिए द्वारिका हंसने का विषय बन जाएगा। यदि आप लोग यही चाहते हैं तो अपने धनुष और तुणीर उठाइए और जाइए। मैं जानता था कि यदि इसे बोलने का अवसर मिला तो यह हम सबको चुप करा देगा। अब आप लोग जाइए और जवाईराज को बहला के ले आइए।